In a remarkable display of unity and devotion, Vaishno Temple of New York partnered with Umayya Dham and Gujarati Samaj of New York to orchestrate a vibrant event commemorating the Pran Pratishtha Samaroh of Ram Mandir Ayodhya. The festivities were a kaleidoscope of saffron flags, resonant devotional music, lively dance performances, and the ceremonial abhishek of the Vigra of Ram Parivar. The event saw the participation of numerous community leaders who, alongside hundreds of enthusiastic Vaishnavas, came together to celebrate this significant occasion. Take a look. Sidharam, Sidharam ke udghosh ke saath, Prabhu Ram Bhagwan ke apne sthan par Ayodhya mein pahunchne ko lekar, jo Vaishnav mandir mein utsav hua, kaisa anubhuti aapko? Bahut hi badhiya. श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठान का दृश्य देखकर गदगद हो गए सब लोग. बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रहा. आपका अनुभव? ऐसी अनुभूति कभी हमने देखी नहीं. हमारे लाइफ टाइम में ऐसा अनुभव मिला है कि भगवान की कृपा है. जय श्री राम. भाई वैष्णो टेम्पल में जय श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए इतना सारा महोत्सव उजवाया है. सब वैष्णव खुश हो गए हैं. बोलो श्री जय श्री राम. उद्घोष है जय श्री राम का. अनिल भाई, मक्का जी को मैंने देखा है अक्सर. वो हिंदू समाज के प्रति उनका जो भाव है वो मुझे पता है कि वो बहुत प्रफुल्लित होंगे. इनकी तरफ आने से पहले आप बताइए, वो जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा तो क्या भाव आया आपको? हम बहुत लकी है, बहुत ब्लेस है कि ऐसी प्राण प्रतिष्ठा हमारे युग में हुई, हमको देखने की मिली. हम उसके साक्षी है. यही तो युगों युगों तक चलने वाली है. बहुत भाव भी नहीं है, बहुत आनंद होता है कि वी आर वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि हमारी युग में हुआ है. जय श्री राम. राम आ गए, राम आ गए और हम खुशी हो गए. बहते बहते मिला किनारा और राम हमारा हुआ तो सब जग हुआ हमारा. और भिगो रही है शुद्ध प्रेम की निर्मल धारा. पंच दीप प्रज्वलित हुए फैला उजियारा. इसके बाद वाह वाह कहने की परंपरा है. तो जो पंचदीप प्रज्वलित हम अपने घर पे करें वो जो बात थी, उसके साथ में कहीं ये भी संकेत आ जाता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो जिस स्व प्रकाश के प्रकाश से प्रकाशित हैं, तो वो पावनता से, निष्ठा से, निर्मल भाव से अपने समस्त कार्यों का संपादन करें. और जैसा मैं कह रहा था, ये बात है संभवतया नवंबर 2019 की, जब सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय आया और हमारे भीतर में ये जो आशा थी वो इस तरह से अंगड़ाइयां लेकर नृत्य करने लगी जिसका
फलीभूत प्रकट स्वरूप हमने आज उसके दर्शन किए हैं। वो जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए भगवान राम के सौम्य मुख से जो झरती हुई कृपा का वर्षण है, उसके साथ साथ जैसा हमने बहुत संतों के मुख से भी सुना, वो कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान की पुनः प्रतिष्ठा का क्षण भी है। इसलिए एक बार फिर आनंद से जय श्री राम। I want to start by saying Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. It's a wonderful feeling. And I would say that all the Bhartiya, you see, they're so happy. So happy. And that happiness, like you said, from the spiritual point of view, Ram is light for us. Okay, and this phase of the time, I mean, we all feel, must feel, that we are very fortunate, and it's a moment in history which will be written forever in golden words. And we have to illuminate our inside and outside. We have to light lamps and celebrate. मैं हमारे एक और विनोद भाई से जानना चाहूँगा, उनके मुख पर ये एक बहुत ही सौम्य किस्म का आनंद जो खेल रहा है, तो कैसी है आपकी अनुभूति आज? मेरे भगवान का मैं शुक्र मानता हूँ कि मुझे प्रेरणा दी, और हम सब ने, अनिल भाई ने पहले ही हाँ बोल दिया कि हम ये कर रहे हैं, तो मैं सबका आपका शुक्रगुजार हूँ, पखा जी, अनिल भाई और पूरी टीम का। बहुत ही अच्छा रहा, जैसा हम लोगों ने सोचा था इससे भी अच्छा हुआ। सो अप्रिशिएट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। जय उमिया, जय श्रीनाथ जी भगवान, जय श्री राम।